जीतने पर बेशक हमें खुशियां मिलती है, लेकिन उन खुशियों को पहले ही सेलिब्रेट कर लेना ये थोड़ी बेवकूफी हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि लाइफ हो या गेम, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में पहले से ही ओवर एक्साइटेड होकर बाद में अपना पोपेट बनाने से अच्छा है फोकस रहकर अपना काम करें। अगर अभी भी आपको हमारी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उन लोगों को देखकर आप पक्का इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, माना कि बाइक रेसिंग काफी कूल है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी काफी कूल होते हैं जो जीतने का जज्बा रखते हैं, लेकिन अब हम आपको जिन जनाब से मिलवाने वाले हैं उनका जज्बा कुछ ज्यादा ही आया था, जो अपने आप को सबसे आगे पाते ही खुश होने लगे और खुश होकर बाइक के ऊपर तक चढ़ गए। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जहां ये खुशियां मनाने में लगे हुए हैं वहीं इनके कॉम्पिटिटर भी इसी गेम में मौजूद हैं, जो अपना पूरा फोकस गेम में रखकर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इसलिए खड़े होकर खुशियां मनाते रहे और बाकी लोग रेस में बाजी मार ले गए। और तो और, जहां ये फर्स्ट आने वाले थे वहीं अपनी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से इन्हें 14th पोजीशन मिली। वैसे दोस्तों, अब ये तो पक्का है कि अब ये जब असल में रेस जीतेंगे तब भी इतने खुश नहीं होंगे। क्यों, सही कहा ना हमने। जब बात बाइक रेसिंग की हो रही है तो इन मोहतरमा को देख लीजिए, जो पूरी तरह से रेस जीत चुकी थी, सबसे आगे भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही हवा में अपनी बाइक को चलाती है और अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से इनका बैलेंस नहीं बनता और ये नीचे जाते गिर जाती है। अब जाहिर सी बात है कि रेस जैसी चीज में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां आप अपने सर पर खुजली करने के चक्कर में भी हार सकते हैं। ये तो पूरा का पूरा ही गिर गई। ऐसे में इनके बाकी कॉम्पिटिटर्स ने लीड ले ली और इन मोहतरमा का जीतने का सपना सपना ही रह गया। इसलिए हम आपसे दोबारा कह रहे हैं कि अगर आपको जीतते जीतते नहीं हारना तो एक्साइटमेंट की जगह फोकस दिखाइए, वरना इनकी तरह रोना पड़ सकता है। आपने कई तरह के बच्चों को देखा होगा ना, जो जीतने के बाद नाच गाकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये पोकर प्लेयर किसी बच्चे से कम नहीं है, जो जीतने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही खुद को विजेता समझकर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जरा आप इनकी सेलिब्रेशन पर एक नजर तो डालिए, जहां ये ऐसे डांस कर रहे हैं मानो शादी तय हो गई हो। खैर, आजकल शादी तय होने पर कोई इतना अच्छे से डांस नहीं करता, लेकिन कुछ भी हो, ये जना वाकई बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि ये जीतने पर एक मिलियन डॉलर के विनर बन जाते। पर इनकी सारी खुशियां एक ही झटके में चली जाती हैं जब आखिरी कार्ड निकलता है, और उसी आखिरी कार्ड ने पूरा गेम पलट दिया और इतना बड़ा पोकर गेम हार गए। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि रेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? आप बोलेंगे तेज दौड़ना आना चाहिए और स्टंट आना चाहिए। तो हम आपको बता दें, मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं नहीं, घबराइए मत, इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि इंजीनियर बन जाए, लेकिन इतनी अच्छी तो होनी चाहिए ना कि आप अपने लैप काउंट कर सकें। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5000 मीटर की रेस हुई, पूरी रेस इन जनाब ने कंप्लीट कर ली, लेकिन एक लैप रह गया और इन्हें ऐसा लगा कि ये जीत गए, जिसकी वजह से अपने हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट भी करने लगे। लेकिन तभी पीछे से बाकी कॉम्पिटिटर आ गए और उन्हें ओवरटेक करके विजेता बन गए, जिसके बाद अपने सेलिब्रेशन के चक्कर में ये 10th पोजीशन पर ही जाकर अटक गए। छोटी छोटी गलतियां तो हम सभी से होती हैं, लेकिन ये गलतियां जब प्रोफेशनल मैच में हो तब गलतियां गुनाह बन जाती हैं। अब जैसे कि आप अमेरिकन फुटबॉल मैच का ये नजारा देखो, जहां पर ये प्लेयर बॉल लेकर आगे पहुंच जाते हैं, जो बॉल को लाइन के आउटसाइड छोड़ देते हैं, जिससे इन्हें तो लगता है कि ये जीते हैं, लेकिन अंतिम नतीजा जब आता है तो इनके तोते उड़ चुके होते हैं, क्योंकि तभी इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा इन्हें एक मैच से चुकाना होगा, क्योंकि इनके अपोनेंट इनकी इस गलती को पकड़ लेते हैं और तुरंत वो बॉल को ले जाकर गोल कर देते हैं। वैसे अगर आपसे भी कभी गलती हो जाती है तो उसे मान लेने में भलाई है, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। अब जैसे कि इस गोल्फ प्लेयर को देख लो, जो बॉल को होल में डालने वाले थे, तभी इन्होंने हल्की सी चूक हो जाने पर अपनी स्टिक से गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और इनकी स्टिक ने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी, जिस वजह से बेचारे हार गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आप द फ्रीज को जानते होंगे,
जिन्हें अभी तक कोई नहीं हरा पाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। हम आपको बता दें, ये किसी को भी रेसिंग के लिए चैलेंज कर देते हैं जहां कोई भी इनके साथ रेस कर सकता है। ऐसे में अपने कॉम्पिटिटर से बाद में भागते हैं, लेकिन उनसे जल्दी पहुंच जाते हैं। और कई कई लोग तो बस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं, उतने में ये तेज दौड़कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब जैसे कि आप इस शख्स को देख लीजिए, जो बस जीतने वाला था और जीत की खुशी भी मनाने लगा था, लेकिन सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में आए द फ्रीज तुरंत इसे ओवरटेक करके जीत जाते हैं। हर समय अपनी आंखें खोल कर रखना बहुत जरूरी है, तब भी जब आप सिर्फ चल रहे हो। लेकिन यहाँ तो नेशनल लेवल की साइकिल रेस हो रही थी, जिसमें ये मोहतरमा लीड ले चुकी थी और ये फिनिशिंग लाइन तक बस पहुंची, लेकिन इन्होंने बड़ी वाली लाइन क्रॉस नहीं की और उससे पहले इन्होंने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने पैडल भी तेज नहीं मारे। लेकिन उतने में इनकी कॉम्पिटिटर ने इन्हें हरा कर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया और पूरी रेस जीत ले गई। दोस्तों, वाकई जीत के इतने करीब आने के बाद इस तरह की गलती करके मुंह के बल गिर जाना किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि इससे कितनी एम्बेरसमेंट हो सकती है ये तो अब इनसे ही पूछना पड़ेगा। अब आप जरा इन जनाब का सेलिब्रेशन देखें, जो कि बनता भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से टेनिस के गेम को खेला, जहां ये अपने सामने वाले प्लेयर की हालत खराब करने में लगे हुए हैं। हालांकि वो भी इन्हें तगड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी एक बॉल बहुत आगे आती है जिसे ये तुरंत हिट कर देते हैं, और इसे हिट करने के बाद इन्हें लगता है कि इन्होंने गेम जीत लिया। पर अफसोस, इतना बेहतर खेलने के बाद सिर्फ एक फोकस हटने की वजह से ये गेम हार गए, क्योंकि इनके सामने वाले प्लेयर ने हार नहीं मानी और इनके इतने बेहतरीन हिट करने के बावजूद उसने बॉल को दोबारा से हिट किया और तुरंत पॉइंट ले लिया। इसलिए कभी भी, चाहे आप जितना भी बेकार खेलें, कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। क्या पता सामने वाला इन्हीं की तरह ओवर एक्साइटेड होकर कोई गलती कर जाए। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी होती है। जहां अपने स्पोर्ट्स के लिए आपका डेडिकेशन ही सब कुछ होता है। अब जैसे कि आप इस साइकिल रेस में देख लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हालांकि इसमें पार्ट लेने वाले हर एक प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अपनी नैया डुबाने में लगे रहते हैं, जैसा कि इंजन अब ने किया, जहां ये सबसे आगे तो पहुंच गए थे लेकिन एक लैप पीछे रह गया और उन्हें लगा कि इन्होंने रेस जीत ली है। पर इनके लगने और होने में बहुत फर्क था ना, इसी वजह से दूसरे प्लेयर्स इनसे काफी आगे निकल गए, और जब इन्हें ये रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर फिर भी इन्होंने आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की और बहुत मेहनत की, लेकिन लास्ट मोमेंट में सेकंड ही आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये दुनिया रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, और अगर आपको भी ऐसा कोई वहम होता है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ अब आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। हालांकि कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी उल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि सबके साथ तो अच्छा नहीं हो सकता ना। अब जैसे कि आप इस लड़के को देख लीजिए, जो पीछे मुड़कर बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा था। बॉल तो बास्केट में गई लेकिन उछल कर वापस आ गई, और आई भी ऐसा कि डायरेक्ट बॉल इनके थोबड़े में लगी। अब बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में न सिर्फ इसका गोल मिस हुआ, बल्कि गोल के चक्कर में अच्छी खासी चोट भी लग गई। कुछ भी करने से पहले एक चीज याद रखिए कि सामने वाले को कभी कमजोर मत समझ लेना, जैसे इन जनाब ने समझा, जो स्केटिंग करते करते इतनी दूर आ गए कि जस्ट फिनिशिंग लाइन के पहले अपनी स्पीड रोक कर सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन इनके अपोनेंट इनसे बहुत तेज थे, जो इनके सेलिब्रेशन का फायदा उठाकर तुरंत बाजी मार ले गए और ये बेचारे सेलिब्रेट ही करते रह गए। वैसे तो इस व्हाइट जर्सी वाले विनर के लिए खुशी हो रही है, जिसने एटलीस्ट फोकस होकर इतने बेहतरीन तरीके से बाजी मार ली और ये जनाब देखते रह गए। हाँ, थोड़ा रो भी रहे थे, वैसे रोना बनता भी है, क्योंकि भला इतनी बड़ी रेस इतनी बेवकूफी भरे अंदाज से हारना किसी को पसंद नहीं होगा। बॉक्सिंग ऐसा खेल है जिसमें कब क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि एक मिनट में ही किसी को पॉइंट मिलता है तो दूसरे ही पल में दूसरे के पॉइंट बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि खुद बॉक्सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पॉइंट मिला है और कहाँ नहीं। ये मैच भी कुछ ऐसा ही था, जहां पर ये बॉक्सर खुद को विनर समझकर पहले अपना हाथ उठा चुके थे, लेकिन विनर तो कोई और ही निकला, जिसके बाद ये बहाने बनाने लगे। वैसे बहाने तो चलते रहेंगे।
बाकी अब आप ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो हमें पूरा यकीन है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि सेलिब्रेशन से ज्यादा जरूरी फोकस है। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।